बेटा वॉइस आ रही है मेरी? हेलो यस सर, आज बहुत बढ़िया। देखो अभी मैंने आपको दोनों फॉर्मूले भी एक्सप्लेन कर दिए थे। एक क्यू प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला भी आपके समझ आ गया होगा जहां तक मेरे को लगता है। एक के क्यूब प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला आपको बताया था, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना? तो ये डिजिट एग्जामिनर नीचे रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो राइट में आपका बचेगा ए प्लस बी। अब एक ही जगह आप जो मर्जी डिजिट रख लो, मैंने रखा 13, तो मेरे को 3 बार ही लिखना पड़ेगा। बी के क्यूब क्या है? अगर बी के क्यूब में आपने रखा 7, तो आपको 3 बार लिखना पड़ेगा। ए स्क्वायर ए क्या है? 13, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। अब आपको क्वेश्चन बनाना भी आ गया। ए बी क्या है? 13 × 7। बी स्क्वायर क्या है? 7 × 7। अब आप इसका आंसर भी, जब आपको क्वेश्चन बनाना आ गया तो आपको आंसर तो आपको पहले से ही आता था इसका, है ना? तो क्या आंसर है भाई इसका? 20। 20 तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, आपको क्वेश्चन भी बनाने आ रहे हैं, आपको आंसर भी सॉल्व करने आ रहे हैं, तो एग्जाम में आपको कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। चलो भाई आगे देखते हैं। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया, देखो क्यूब वाले भी टाइप आपको आ गई, स्क्वायर वाले टाइप भी आपको आ गई, माइनस वाले टाइप भी आपको आ गई, तीनों टाइप आपको आ गए। आगे मैं आपको बताता हूँ। एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा भाई? देखो कोई स्टूडेंट बता सकता है? निष्ठा, क्या अंशिका, ईशानी, मयंक, कार्तिक, एनी आइडिया बेटा? सर 3। ओके 3 किसने दिया? निष्ठा ने आंसर दिया बच्चे, सर इसका करेक्ट ईशान्य, आंसर ईशान ने। निष्ठा बेटा आपको बताइए इसका कैसे करेंगे हम इसको। अंशिका, चलो बेटा देखो अब मैं आपको इसका प्रॉपर मेथड सिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसके शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 25, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 25 माइनस 2, प्लस वाला तो दूसरी तरह माइनस होके आ जाएगा, दैट इज आंसर इज 22, है ना? मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो हम कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, हमें कोई फॉर्मूला स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ कैंसिल करने की नीड नहीं है, बस जो ये डिजिट है ना इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर दो, 5 का स्क्वायर माइनस 2, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ। सर 45 सर 47, सर फोर्टी फाइव 47, फोर्टी सर 47।
अब क्या क्या आंसर बताया भाई आप लोगों ने? 47। बहुत बढ़िया। अब देखो अभी तक तो ये टाइप आपको नहीं आती थी, पर जैसे सर आप मेरा 45 आ रहा है। 45 कैसे आ रहा है बेटा? 7 का स्क्वायर बताओ क्या होगा बेटा, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 7? 7 इनटू 7 क्या होता है? 47। नहीं बेटा, 7 7 जो तो 49 होता है ना, 7 7 जो 49 होता हाँ है, सर, 49 49 और 49 में से 2 माइनस करोगे तो 47 आएगा ना। 47 क्लियर हो गया? अब ओके अगर सर। ये टाइप आपके सामने आती है तो आप इसको सेकंड्स में सारे स्टूडेंट सॉल्व कर देंगे, तो बस यही तो फर्क होता है क्लास, जिस बच्चे ने लिया जिसने नहीं लिया। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा भाई? सर अब तो नाइन हाँ, अब तो बोरली सर बताइए। वन वन नाइन वेरी गुड वन 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 नाइन शाबाश बेटा, बहुत सर बढ़िया, 119। बहुत बढ़िया बेटा। वन प्रिंस बेटा आपने दिया आंसर, प्रिंस दरियापुर से। हाँ यस सर समझ आ रहा है बेटा आपको प्रिंस? सेवन वन नाइन यस सर ठीक है बेटा। 11 का स्क्वायर माइनस 2, 1 2 1 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो 119 हमारा आंसर आ जाएगा ना। बहुत बढ़िया। अब देखो ये टाइप तो आपके समझ में आ गई, इससे अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई। मैंने लिखा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, और मैंने आपको दिया x की 4 प्लस 1/x की 4, इसका क्या आंसर होगा भाई? 5 सर। 5 दिया आपने आंसर, ठीक है भाई। किसका आंसर आया भाई 5? कुमार सर। ठीक है, इसमें एक वो भी ऑप्शन होता था प्ले साउंड व्हेन समवन जॉइंस। चलो 76 आ रहा है मेरा। 76 आ रहा है आपका, ठीक है। लो म्यूट पार्टिसिपेंट आस्क कॉल टू अनम्यूट। ऊपर लिखा भी तो आता है कौन बच्चा बोल रहा है, वो कौन से उसमें आता है? पहले तो लास्ट क्लास में आ रहा था वहां पे उसका ऑप्शन भी, जिस स्टूडेंट की आवाज आ रही ऊपर नाम लिखा आ जाता है ना। भाई आपने आंसर दिया, क्या आंसर दिया? 27 आंसर किसने दिया भाई? भाई और किसी स्टूडेंट का कोई आंसर? अभिषेक गिरी, अंशिका, भाई सारे गलत हो गए। प्रिंस आपसे सर 79। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। एक और आंसर गलत हो गया भाई आपका। है भाई सर 7। वाह बहुत बढ़िया। मैं बताऊं भाई? सर आप बता दो। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। देखो भाई आप पहले स्क्वायर वाला सोल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा भाई? पहले आप ये बताओ। अरे सेवन। सिंपल से स्क्वायर में गई 7 होगा। अब स्क्वायर से 4 में जाना है आपने, तो वही चीज आपने अप्लाई करनी है। सेम 7 का स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा भाई? 47। तो इसका आंसर होगा आपको 47। दो बार आपने स्टेप अप्लाई करना है। ये क्लियर हुआ भाई आप लोगों को? यस सर। बहुत अच्छी बात है। मैंने दिया आपको क्वेश्चन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, x की 4 प्लस 1/x की 4, बताओ भाई क्या आंसर होगा? सर 14। 14 इज रॉन्ग आंसर। 194। किसने दिया बेटा आंसर? सर निष्ठा।
मिस्टर वन नाइनटी फोर बहुत बढ़िया भाई रोहित कुमार 194 बहुत बढ़िया प्रिंस मतलब मैंने बताया ऊपर आपको स्टेप लेके जाना तो पहले तो स्क्वायर वाले में जाएंगे तो स्क्वायर वाले का आंसर आप लोगों ने क्या बताया 4 4 16 माइनस 2 14 अब जब स्क्वायर से 4 में आप जाएंगे तो 14 इनटू 14 14 का स्क्वायर 14 इनटू 14 क्या होता है 196 और उसमें से जब टू माइनस करेंगे तो 194 आपका आंसर आ जाएगा 14 स्क्वायर माइनस 2 जैसे 4 स्क्वायर माइनस 2 किया ना ऐसे 14 स्क्वायर माइनस 2 करेंगे 14 इनटू 14 माइनस 2 तो अंशी का बेटा क्लियर हुआ आपको कार्तिक अरे यार क्लियर होगा ईशान एडल मुकुल सर क्लियर यस सर यस ठीक है बेटा इसको हम नोट डाउन कर रहे हैं इसको मैं रब कर दूं इरेजर में इसको या नोट डाउन कर रहे हैं बताओ किसी को नोट डाउन करना है जल्दी कर लो बेटा आवाज साउंड क्लियर नहीं आ रहा एक सेकंड बेटा अब आ रही बेटा वॉइस आपको क्या नाम आपका बेटा व्हाट्स योर नेम सर अभी स्टेज पर हैंग होके आ रहा है अंशिका मुकुल आपको वॉइस सही आ रही बेटा अंशिका एंड मुकुल यस सर अब आप फिर से जब इसको आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे 23 को स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की 4 प्लस 2 ए बी मतलब ये होगा 2 ए बी तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका 23 का स्क्वायर 529 और जब ये 2 दूसरी तरफ माइनस होके आएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 527 पर हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम तो है नहीं हमको स्कूल का पेपर तो दे नहीं रहे वहां तो इसलिए हमें फास्ट मेथड सीखना हमारे लिए मजबूरी है कि आपको क्या करना है आपको माइंड में सॉल्व करना है एक बार तो आपने कर दिया 5 का स्क्वायर 5 का जो 25 माइनस 2 23 फिर सर आपकी आवाज एको कर रही है ओके एक सेकंड ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका बताओ यस सर प्रिंस अभिषेक यस सर अंशिका यस सर ईशानी रोहित yes, रोहित बेटा क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ रोहित मिस्टर रोहित सर सर किसी ने दो डिवाइस से जोड़ रखी है आवाज एको कर रही है अच्छा दो डिवाइस से बेटा दो डिवाइस से किसने जोड़ा होगा आप एक डिवाइस से कनेक्ट कर लो उस वजह से हो सकता कर रही हो अच्छा जब सबका साइलेंट हो रहा है अब क्लियर आ रही हो इस टाइम पे अभिषेक एंड अंशिका सर अभी भी कर रही है सर एक बार सर एक बार ऐसे रूही मैम के मीटिंग में हुआ था तो उन्होंने रीजॉइन किया था तो क्लियर हो गया था चलो बेटा मैं अभी हम भी रिजॉइन कर लेते हैं ठीक है बेटा एक बार रिजॉइन कर लेते हैं दोबारा से एक बार रिजॉइन कर लेते हैं एंड कर रहा हूँ दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं